मेरा विषय है फुटकर वितरण प्रबंध। फुटकर वितरण में वे सभी विक्रेता फुटकर व्यापारी शामिल हैं जो कि अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचाते हैं। यह मध्यस्थों की इसमें मध्यस्थ की श्रेणी की यह अंतिम कड़ी है। इसमें सीधा उपभोक्ताओं तक माल पहुंचता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है, छोटी मात्रा में वे अनेक प्रकार की वस्तुएं। ये जो फुटकर विक्रेता होते हैं ये बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्राहकों को वस्तुएं देते हैं और बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती है इसमें। जैसे किराना की दुकान है, वो खाद्य पदार्थ है जैसे साबुन है, तेल है, या कोई दैनिक वस्तुएं हैं, अनाज है, दालें हैं, वो सभी प्रोडक्ट बेचता है। कपड़े का कारोबार है, या जूता वाला है, या खिलौने वाला है, या कोई मरम्मत की दुकान है, वे सभी फुटकर दुकानों में शामिल होती है। इसके बाद है कम पूंजी व सजावट पर जोर। इनकी जो पूंजी होती है, जिनमें पैसा होता है, वो बहुत कम लगा होता है और ये लोग अपनी दुकान की सजावट इस तरह से करते हैं कि ग्राहक आकर्षित हो और उस दुकान में आए। और ग्राहकों को बहुत सारी सुविधाएं जैसे जलपान गृह है, सिद्ध ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ताकि ग्राहक और उनके बीच संबंध अच्छा रहे और उनकी बिक्री ज्यादा हो। थर्ड है क्रय उधार और विक्रय नकद। ये लोग जो होते हैं थोक व्यापारी को सैंपल लिखवा देते हैं, सैंपल के अकॉर्डिंग थोक व्यापारी माल बेच देता है, लेकिन माल आते ही तुरंत ये पेमेंट नहीं करते। ये पेमेंट करते हैं जब इनका माल थोड़ा बिक जाता है, महीने बाद जब इनके पास पैसा आ जाता है तब ये माल का पैसा तब देते हैं और उपभोक्ताओं को ये नकद में विक्रय करते हैं। आजकल आपने देखा होगा शहरों में तो केवल नकद ही विक्रय होता है और जबकि गाँव वगैरह में अच्छे संबंधों के कारण उधार विक्रय भी चलता है। इसके बाद फिफ्थ है श्रेणियन करना। ये जो होते हैं, अब ग्राहक हर किस्म का होता है, बहुत अच्छा बहुत अधिक धनी भी होता है, थोड़ा कम पैसे वाला भी होता है। वो थोड़ा कम पैसे वाली वस्तु भी पसंद करते हैं, कई जो ग्राहक होते हैं वो ज़्यादा पैसे वाली वस्तु भी पसंद करते हैं। कोई अच्छी किस्म की जो क्वालिटी है कोई अच्छी किस्म की पसंद करता है, कोई थोड़ी सी घटिया क्वालिटी भी ले लेते हैं। तो ग्राहकों के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वस्तुओं का श्रेणियन करते हैं, जैसे ए बी सी ग्रेड की या किसी भी तरह की वस्तुएं उनको अलग अलग भाग में विभक्त कर देते हैं। इसके बाद है सिक्स है नवनिर्मित माल का प्रचार। ये अब कोई भी उपभोक्ता उत्पादक है अपना कोई प्रोडक्ट उतारता है, वो सबसे पहले कई बार आपने देखा होगा सैंपल के रूप में रखता है, उसको फ्री सैंपल देता है ताकि जो फुटकर व्यापारी है उनको फ्री सैंपल देके कहते हैं कि आप इस वस्तु को टेस्ट करो कैसी है कैसी नहीं। इस प्रकार वो ना नवनिर्मित जो वस्तु होती है, नई वस्तु जो मार्केट में उतरती है, उसका प्रचार प्रसार करता है, ग्राहकों को इम्प्रेस करते हैं कि वो वस्तु को खरीदे और यूज करके देखें। कोई भी सरफ है या कोई भी इस तरह के साबुन है या कोई भी और सामान है दैनिक उपयोग का, वो उनको फ्री सैंपल के रूप में देकर उनके टेस्टिंग से नवनिर्मित वस्तु का प्रचार करता है। इसके बाद सेवन्थ है विभिन्न सुविधाएं। इसके अलावा वह बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है ग्राहक को, जैसे कि साख सुविधा में जैसे ग्राहक होता है गांव में, छोटे छोटे शहरों में आपने देखा होगा कि उपभोक्ता के साथ अच्छे संबंध होते हैं फुटकर व्यापारी के, तो उन्हें वो माल उधार में देता है। इसके अलावा वो घर 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 पर सपूर्दगी देता है। आपने देखा होगा कि दुकानों पर लिखा होता है कि फ्री होम डिलीवरी, या वो डिलीवरी बॉय रखते हैं जो ग्राहक है टेलीफोन से ऑर्डर दे देते हैं तो जो माल है डिलीवरी बॉय के द्वारा वो पहुंचा देते हैं उनके घर। माल छांटना है, माल छांटने में उनके अकॉर्डिंग माल को छांट कर देते हैं और माल वापसी की सुविधा। अब वो जो होते हैं, अगर ग्राहक जो होता है ग्राहक से अच्छे संबंध स्थापित करने, ग्राहक से अच्छे संबंध तभी स्थापित हो सकते हैं जब वो ग्राहक को सुविधाएं दे, और जब ग्राहक और उसके बीच रिलेशन सबसे वो अच्छे रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी बिक्री बढ़े और उसको बहुत बहुत उसका उस जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसीलिए वो ग्राहक को माल वापसी की सुविधा देता है। इसके अलावा वो ग्राहक को ये आश्वासन देता है कि अगर ये माल खराब निकलेगा तो वो वापिस कर सकता है, या ग्राहक को अगर कोई माल उसका खराब हो जाता है तो उसको मरम्मत की सुविधा देता है। आपने देखा होगा आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, आरओ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको बाद में रिपेयर करने की उसको सुविधा देता है। आगे फुटकर वितरण प्रणाली में टॉपिक है फुटकर व्यापारियों के प्रकार। फुटकर व्यापारी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा एक तो फेरी वाले व्यापारी वो होते हैं जैसे गली गली में जो ठेले वाले घूमते रहते हैं, रेल के पटरी पर जो बैठे रहते हैं, और जो अपने सिर पर अपने वस्तु बेचते हैं, साइकिल पर बेचने के लिए निकलते हैं, या आपने देखा होगा मॉल के बाहर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े होते हैं जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बेचते हैं ठेलों वगैरह पर, जैसे खिलौने हैं, कपड़े का सामान है, या कोई भी बर्तन है, इस तरह की वस्तुएं वे बेचते हैं, वो ठेले वे फेरे वाले व्यापारी कहलाते हैं। इनकी ये बहुत ही कम पूंजी लगाते हैं अपने में और घर घर जाकर
घर घर या दुकान घर घर के पास पहुंचकर अपना माल बेचते हैं, जैसे सब्जी वाले हैं या कोई और है। इसके बाद सेकंड है साधारण अथवा फुटकर दुकानें। आपने देखा होगा जो आप माल खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल आप लोग साधारण या फुटकर दुकानों से ही खरीदते हैं, जैसे कि सिंपल ये छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की हो सकती है फुटकर दुकानें। और ये ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करें या एक ही वस्तु में व्यापार करें। जैसे आपने देखा हो किराने वाला है, अगर वो बहुत सारी वस्तुएं रखता है, अनाज दालें या साबुन है तेल है, वो सभी चीजें रखते हैं। और आपने ऐसे फुटकर व्यापारी भी देखोगे जो केवल अनाज रखता है और कोई चीज नहीं रखता है। इस तरह से ये विभिन्न वस्तुओं में व्यापार कर सकते हैं और एक ही वस्तु में व्यापार कर सकते हैं। और जो दुकानें हैं वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ दी दुकानें जो फुटकर व्यापार मोस्ट ऑफ दी जो उपभोक्ता होते हैं वो इन्हीं फुटकर दुकानों से अपना माल खरीदते हैं। थर्ड है बहु परिमाण फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो विभागीय भंडार और एक दूसरा है बहुसंख्यक दुकानें। विभागीय भंडार डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो होते हैं जो एक ही बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाते हैं। इन जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं एक ही बिल्डिंग के नीचे सारी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि आपने मॉल वगैरह में देखा होगा या कहीं पे देखा होगा, जो ये होती है ये जो होती है मोस्ट ऑफ दी बड़े बड़े नगरों में होती है, छोटे छोटे गाँव में ये नहीं पाई जाती है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कैलकटा है या रायपुर है, बड़े बड़े नगरों में ये होती है। और बड़े बड़े नगरों में भी केंद्र स्थान पर होती है जहाँ पर सभी के सभी उपभोक्ता वहाँ पर पहुँच सके। और जो इनमें कैपिटल होती है बहुत अधिक लगी होती है। और ये जो है सभी प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं, जैसे अनाज खाद्य पदार्थ है या कोई बच्चों के खिलौने की है या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है या कुछ भी खिलौने वगैरह का है, बर्तन है, शूज है, बहुत सारी इस तरह की ये वस्तुएं बेचते हैं। इसके अलावा जो ये इनका स्वामित्व जो होता है एक ही के केंद्र के अंतर्गत होता है, एक ही इसका केंद्रीय स्वामित्व रहता है, इसका संगठन वही रहता है। और इसमें जो जो माल है जो बहुत ही लार्ज स्केल पर खरीदा जाता है, और जो एक डिपार्टमेंट है वो एक ही वस्तु को बेचता है, जिससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं, और जो वस्तु है अपेक्षाकृत उपभोक्ताओं को सस्ती पड़ती है। और इसमें जो वस्तु होती है मोस्टली वे ऊंची क्वालिटी की रखते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहां पर अधिकतर रिच पीपल ही आते हैं और वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु ही खरीदते हैं। इसके अलावा सेकेंड है बहुसंख्यक दुकानें, मल्टीपल शॉप्स। इसमें जो है इसमें फर्क ये है कि ये जो होती है ये विभिन्न क्षेत्रों में होती है, विभिन्न क्षेत्रों में एक जो स्वामित्व होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी समान समान वस्तुओं को बेचता है। जैसे अब जैसे उसने अपनी दुकान है रायपुर के काफी सभी क्षेत्रों में खोल ली इस तरह से, या वो विभिन्न शहरों में अपनी दुकानें खोल सकता है, इस तरह से बहुसंख्यक दुकानें होती हैं। और इसमें जो है उपभोक्ता और ग्राहक दोनों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। और इसमें दुकान का जो सामान जो ये वस्तु का जो माल होता है माल माल वो एक ही किस्म का बेचता है सभी दुकानों पर। और जो दुकानें जो उसकी होती है विभिन्न क्षेत्रों में, उनका जो सजावट होती है या उनका ऊपर बाहर का रंग रूप होता है, फर्नीचर होता है, वो एक जैसा ही होता है। ग्राहक जब उसमें एंटर करता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये विशेष उसी की दुकान है, वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ उसको सुविधा होती है वहीं से वो माल खरीद सकता है। और इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसमें भी जैसे इसमें होता है केंद्रीय स्वामित्व, इसमें भी केंद्रीय स्वामित्व ही रहता है, एक ही स्वामित्व के अंदर सभी के सभी दुकानें रहती हैं। और इसमें जो है वस्तु का मूल्य, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी इस तरह की दुकान पर चले जाओ तो आपको जो वस्तु का मूल्य है वो सेम रेट ही मिलेगा सभी को। इसके अलावा अब है फुटकर व्यापारी का एक फेरी वाला, फिर साधारण, फिर ये लार्ज स्केल रिटेलर्स, और उसके बाद है अन्य। अन्य में बहुत सारी इसके प्रकार हैं। सबसे पहला है ई कॉमर्स द्वारा व्यापार। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है या इस तरह की दुकानें, अमेजोन है, ये लोग जो होते हैं ऑर्डर लेते हैं और उपभोक्ता तक माल पहुंचा देते हैं। जो उपभोक्ता को माल पहुंचाते हैं वही फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। ये लोग जो ये जो है ना तो इनकी खुद की शॉप्स होती है, ना इनको अधिक कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ना इनको जगह की जरूरत पड़ती है। ये जो अपना प्रचार प्रसार है ये विज्ञापन द्वारा करते हैं, विज्ञापन द्वारा ही अपनी वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं। उसके बाद है सुपर बाजार। सुपर बाजार में क्या होता है कि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं एक ही एरिया में, और वो जो है अपनी वस्तु का जो ग्राहक होता है वो ये जो है स्वयं सेवा के आधार पर निर्मित है। दाम लो, दाम दो और वस्तु लो। ग्राहक जो है अपनी मनपसंद की वस्तु खुद देखता है कि उसे क्या चाहिए, वो स्पर्श करके
वो क्या करते हैं, ट्रॉली में वस्तु रख लेता है और जो है काउंटर के पास खुद उसको ले जाता है और वहीं से उसकी पेमेंट करता है। वो जो है अपने आप ही वस्तु को पसंद करता है। और जो इतने वो इसमें फायदा क्या होता है, जो वस्तु है वो बहुत अधिक मात्रा में खरीदता है, जिससे जो उसकी कॉस्ट होती है उसको बहुत उसको उससे जब लार्जेस्ट पैमाने पर ही वो वस्तु खरीदता है तो वस्तु वो कम रेट की मिलती है उसको। इसके अलावा थर्ड है क्रय विक्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम, ये आपने सुना ही होगा। इसमें क्या होते हैं कि जो वस्तु है ग्राहक को उधार में पहले ही मिल जाते हैं, बहुत मूल्यवान वस्तु होती है, ग्राहक जो है उतने पैसे से वस्तु, उतना पैसा नहीं होता कि वो वस्तु एक बार में खरीद सके, छोटे छोटे जो उपभोक्ता होते हैं। तो ये जो क्रय विक्रय पद्धति है इसमें जो उपभोक्ता है महंगी वस्तु एक बार में खरीद सकता है, जैसे इसमें किस्तों के आधार पर पेमेंट होती है, जैसे वे पहली किस्त चुका देते हैं उसको वस्तु यूज करने के लिए मिल जाती है, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं मिलता उसे। स्वामित्व उसको तभी मिलता है जब वो लास्ट की पेमेंट कर देता है, और अगर वो पेमेंट लास्ट की नहीं कर पाता है तो उसको स्वामित्व नहीं मिलता, वो वस्तु जो है विक्रेता अपने अंडर ले लेता है। और जो इसमें है मरम्मत की सुविधा या आफ्टर सेल सर्विसेज है वो विक्रेता उसको प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद है प्रभाव भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये आपको इस जैसा ही कुछ रूप है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें पहली किस्त के साथ ही क्रेता को स्वामित्व मिल जाता है, वो उसके बाद वो वस्तु उसी की हो जाती है। इसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वस्तु को बेचकर उन्हीं पैसों से पेमेंट करता है। पहली अवस्था में क्रय विक्रय पद्धति में तो वो वस्तु को वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट पद्धति में वो वस्तु को वापस नहीं कर सकता, वो वस्तु उसी के पास रहती है क्योंकि उसका स्वामित्व हो जाता है उसके पास। इसके बाद फिफ्थ है उपभोक्ता सहकारी भंडार, जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये उपभोक्ताओं का ही संगठन है। उपभोक्ता जो है मध्यस्थों के उन्मूलन के लिए, जो कि बहुत अधिक प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, खुद का एक संगठन बना लेते हैं। ये किसी बाहर के बंदे को कोई भी वस्तु नहीं बेचते हैं, ये खुद ही जो दैनिक उपयोग की वस्तु है खुद ही यूज करते हैं, और इसमें एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार रहता है। जो वस्तु जितना माल, जो उपभोक्ता जितना माल क्रय करता है उसी के आधार पर उसको लाभांश दिया जाता है। ये मध्यस्थों का उन्मूलन करने के लिए इस संगठन का उदय हुआ। इसके बाद है सिक्स्थ विक्रय मशीनें। विक्रय मशीनें ज्यादातर पाश्चात्य देशों में प्रचलित हैं। इसमें क्या होता है, मशीनों में पहले से ही जो वस्तु है पैक करके वो रख दी जाती है। पैक करके रखने के बाद जो उपभोक्ता है उसमें सिक्का डालता है, जिससे वो सिक्के से वो वस्तु अपने आप उसको बाहर निकल जाती है और वो ले सकता है। भारत में इस तरह की मशीनों का बहुत कम प्रचलन है, और एक व्यक्ति मोस्टली 600 से अधिक मशीनों को खुद ही संभाल सकता है। और इसमें जैसे वजन उठाने वाली मशीन है या टेलीफोन मशीन है, इस तरह की